matter is with the admission in the AMAT course. Admission for AMAT course. Admission for AMAT course. AMAT. AMAT. Masters of Education. Master of Education. Yes. So I have been denied, Myron, on account that the. Now, when did you apply? I applied for session 2022-23, Myron. The session is going on, abhi July ka mani khatam hua. So, the session has started? It started. Ma'am. From which month? From this July itself. July 22? 22. And when did you apply for it? Month back, Myron, yeah. कब अप्लाई किया आपने कब किया इनफैक्ट 22 जून 22 को किया और उसमें क्यों मना किया उन्होंने उन्होंने मना कर दिया कि मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स 50% ये था आपका 49.25 तो गलत क्या ठीक गलत इसलिए सर कि बिकॉज दैट वाज फॉर जनरल कैटेगरी के अंदर रिलैक्सेशन देयर 5% टू द एससी एसटी आईएमएससी कैंडिडेट वेयर डू यू से दैट इन योर एप्लीकेशन एप्लीकेशन में एससी बताया मैंने Where is the where is the PP 33 Myron? Where is the procedure prescribed? Procedure is P1 and P2. पहले तो मामला यह है कि एम एड में एडमिशन का मामला है इसी साल का 2022-23 शिक्षा सत्र के दौरान का मामला है कैंडिडेट के 49.25% मार्क्स हैं वो कहते हैं मुझे एडमिशन इस बात पे नकार दिया गया कि मेरे 50% से कम हैं जबकि ये क्राइटेरिया केवल जनरल कैटेगरी के लिए है और मैं एससी कैंडिडेट हूं तो इस तरह से अब ये देखते हैं कि इसमें जैसा आप क्या पूछते हैं क्या बताते हैं और आगे वकील साहब और क्या होता है एप्लीकेशन का मारोर ने क्वेरी की थी तो मैं पेज 33 पे बता रहा हूँ कि आई मेंशन दैट आई बिलोंग टू एससी कैटेगरी पेज 33 मारोर फिजिक्स कैटेगरी सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी स्टेटस एलिजिबल कैटेगरी एससी एलिजिबल क्लास वेयर इज दैट ये छठवीं लाइन है एक एलिजिबल कैटेगरी के नीचे लिख एलिजिबल कैटेगरी आगे लिखा एससी मारोर मेल तो अब ये इनका सर्कुलर है P1 एंड P2 मार्क अच्छा उसमें क्या है पेज 14 में भी सीधे सर्कुलर इशू पे आरएस के मार्क राज्य शिक्षा के 14 क्या है सर्कुलर 4.1 मार्क प्रवेश हेतु शैक्षणिक एंड राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंड अनुसार प्रवेश के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 50% अंक पाने वाले अभ्यर्थी इसके अतिरिक्त इंजीनियर या तकनीकी विज्ञान गणित में 55% अंकों के साथ या अन्य संपर्क परीक्षा उत्तीर्ण आवेदित बी एड प्रवेश हेतु पास होंगे अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट होगी नीचे विभागीय अभ्यर्थी के लिए बी एड पाठ्यक्रम का सत्र प्रारंभ होने के बाद ये किस बाबत है ये राष्ट्रीय अध्यापक परिषद के मापदंड के अनुसार प्रवेश के लिए स्नातक अथवा स्नातकोत्तर डिग्री में कम से कम 50% स्नातक डिग्री मतलब हुआ एमएड पचास प्रतिशत होगी फिर आगे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है बिकॉज अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी जैसे मोदी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे सी इंस्ट्रक्शन और 2 वीक्स लिस्ट से लिस्ट ना उसको देखना पड़ेगा होगा तो दिलवाएंगे आपको रिसीट क्रिएट करेंगे हमारा नेक्स्ट वीक की प्रेजेंट नेक्स्ट वीक 3 दिन वर्किंग है टोटल सॉरी लिस्ट तो कुछ टू बी शेड्यूल लिस्ट ऑन 22nd लिस्ट किया नोट